अब तीसरी नमाज जो हम पढ़ सकते हैं, जो नवाफिल में है, जिसकी बड़ी फजीलत है, वो नमाज सलातुज़ुहा। अब हौसले परेशान होंगे, अब ये कौन सी नई नमाज सलातुज़ुहा। सलातुज़ुहा हमारे इलाके में अलग अलग नामों से पहचानी जाती है, जिसको या तो इशराक कहते हैं, या तो चाश्त कहते हैं, या तो अवाबीन कहते हैं। ये नमाज एक ही है, इसके नाम तीन हैं। नमाज को कहते हैं अरबी में सलातुज़ुहा, जोहर नहीं, जुहा। ठीक, ये नमाज क्या है और कब पढ़ी जाए? तो अगर सलातुज़ुहा बिल्कुल सूरज निकलते ही पढ़ी जाए, तुलुए आफ्ताब के फौरन बाद पढ़ी जाए, तो इस नमाज को इशराक कहा जाता है। सलातुज़ुहा को सूरज निकलते ही अगर पढ़ा जाए फौरन, इसको कहते हैं इशराक। तो मस्जिदों में लिखा होता है इशराक का वक्त, और इशराक का वक्त याद रखिए, फजर के बाद से इशराक के वक्त तो कोई नमाज हो भी नहीं सकती, क्योंकि तो वो 20 मिनट तुलुए आफ्ताब के होते हैं। तो 6 बजे अगर तुलुए आफ्ताब है तो 6:22 को इशराक शुरू होती है, या 20 मिनट का आप कम से कम फर्क ले ले हमारे इलाकों के एतबार से। ठीक, तो सलातुज़ुहा को अगर आप अव्वल वक्त में पढ़े सबसे, तो ये कहलाती है इशराक। इसकी तादाद रकातें याद रखिए 2 से लेकर 8 तक है, आप इसको मुकम्मल 8 रकात तक पढ़ सकते हैं। याद रखिए रसूलुल्लाह ने इससे ज्यादा नहीं पढ़ी सलातुज़ुहा। तो अगर आप फौरन सूरज निकलते ही पढ़ते, 2 2 रकात करके पढ़िए, कम से कम 4 पढ़ना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 8 कहते हैं उलमा। तो कोशिश कीजिए, अगर आप एक सलाम से पढ़ रहे हैं तो फिर 4 रकात पढ़िए, अगर वो 4 रकातें पढ़ना चाहते हैं एक साथ, बेहतर है कि आप 2 2 करके पढ़ें, इसमें ज्यादा इंशाल्लाह। जिस ये भी बहरहाल 4 रकात में हर दिन नवाफिल में, लेकिन सुन्नत ये है, रसूलुल्लाह ने उमूमन नवाफिल को 2 2 करके ही पढ़ा है। तो कोशिश कीजिए 2 2 करके पढ़े आप, तो 4 रकात या ज्यादा 8 पढ़िए, तो फौरन सूरज निकलते पढ़े तो ये नमाज कहलाती है इशराक। सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद अगर अगर आप पढ़े तो उसको कहते हैं चाश्त। ठीक, और सूरज इतना ऊपर आ जाए कि जमीन गर्म हो जाए, तपिश शुरू हो जाए, तो उस वक्त जो पढ़ी जाती है उसको कहते हैं अवाबीन। ठीक, बहुत से लोगों का गलत फहमी है कि चाश्त या जो है नमाज या अवाबीन के ताल्लुक से कि ये मगरिब के बाद होती है, दुरुस्त नहीं है, ये फजर के बाद ही है, याद रखिए जोहर से पहले। और ये नमाज आपको जवाल से पहले पढ़ना है। इशराक कहलाएंगी जब फजर निकल सूरज निकलते पढ़ेंगे, बीच में कभी पढ़ेंगे तो चाश्त, और सूरज जब ऐसे ऐसी बुलंदी पर आ जाए कि गर्म होना शुरू हो जाए जमीन, इसको कहते हैं अवाबीन। जब पड़ जाए, अवाबीन कहते हैं, ये ऊंटों के बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं सुबह सुबह, चूंकि रात में बहुत सर्दी होती है, जो ही सूरज निकलता है तो ऊंट का बच्चा क्या करता है, जब सूरज निकलना शुरू होता है जाकर रेत पर खड़ा हो जाता है, और जब तक खड़ा होता है जब तक कि उसको इतनी धूप ना मिले कि उसके पैर गर्म होने लगे, जब उसके पैर गर्म होने लगते तो लौट कर अपनी माँ के पास भागता है, उसको कहते हैं अवाब, पलटने वाला। तो ऊंट का बच्चा पलट कर भागता है अपनी माँ के पास कि अब बहुत गर्म हो गया। अब जाहिर सी बात है, रेत को गर्म होने और ऊंट के बच्चे के खुर गर्म होने के लिए सूरज ऊंचा होना जरूरी है, ऊपर आ जाना जरूरी है, तभी तो वो तपिश होंगी, जिसको हमारे इलाके में हम कहेंगे 10 बजना या 11 बजना, जब तपिश धूप की हो जाती है। इसके बाद तो फिर जवाल, याद रखिए 11:30 हो गए तो फिर तो जवाल, फिर हो गया टाइम खत्म इसका। तो आप इसको फजर के बाद से, मतलब तुलू आफ्ताब से लेकर जवाल के बीच में पढ़ सकते हैं। अव्वल वक्त में पढ़ी जाए तो इशराक, बीच में कभी पढ़ी जाए तो चाश्त, और आखिर वक्त में 10:30-11 के वक्त, तो ये हो जाएगा अवाबीन। इसकी रकातें याद रखिए 8 है ज्यादा से ज्यादा। ठीक, आप 4 4 करके 2 बार पढ़े, या फिर 2 2 करके आप जो 4 और या 8 तक आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो ये रहा तीसरी नफिल नमाज जिसका हम एहतमाम कर सकते हैं, और तीनों एक में आ गई, भरल चाश्त, अवाबीन और जो है इशरा। अस्सलाम वालेकुम। आज जो बात हुई उसके अंदर के जोहर के फर्ज नमाज के पहले 4 रकात और इशराक की 4 रकात पढ़ने से इंसान तो जन्नत में जा सकता है, तो मैं फैमिली वगैरह और बहुत सारे लोग देगा इशराक की 2 ही रकात नमाज पढ़ते हैं, तो इशराक की 2 रकात की कोई हदीस वगैरह कुछ? तो ये भाई ने कहा कि मैंने हदीस में कहा कि 4 रकात इशराक की और 4 जोहर से पहले की जो पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। तो इशराक की नमाज जो है असल, इसको जिसको इशराक, चाश्त और अव्वाबीन कहते हैं, इस नमाज को अरबी जबान में कहते हैं सलातुज़ुहा, जोहर नहीं जुहा, सलातुज़ुहा। ये नमाज सूरज निकलने के बाद से लेकर जवाल से पहले तक पढ़ी जा सकती है, सूरज निकलने के बाद से लेकर जवाल तक, जोहर के पहले तक पढ़ी जा सकती है। इस नमाज के नाम अलग अलग वक्तों में पढ़ने से बदलते जाते हैं। इशराक वो जो सूरज निकलते ही पढ़ी जाए, चाश्त उसके बाद, अव्वाबीन ऐसे वक्त पढ़ना कि सूरज इतने तेज हो जाए कि जिससे ऊंट के बच्चे उनके खुर गर्म होने से वापस अपनी माँ की तरफ भागे, अव्वाब कहते पलटने वाले को। ठीक, तो बहरहाल वैसे हो जाए उस वक्त को पढ़ना। लिहाजा ये नमाज को 2 2 करके पढ़ सकते, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात। सलातुज़ुहा कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 8 रकात। हदीस में आ रहा है कि 2 नहीं 4 पढ़े, इसका मतलब ये कि 2 फिर 2, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है तो और 2 और 2, मतलब 8। ठीक, लिहाजा जो 4 भी पढ़े उसके लिए है,
जो जायद पढ़ना चाहे तो 8 तक पढ़ सकता है, और इसकी रकातें दो 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 करके हैं, तो 2 पढ़े फिर 4 पढ़े। अगर कोई सिर्फ 2 पढ़ता है तो इशराक तो हो जाएंगी, लेकिन सवाब में शामिल होना है तो 4 पढ़ना पड़ेगा डेली कम अज कम। 4 से मोर भी आप जा सकते हैं, इसलिए कि 8 तक ये रकाते साबित है, तो आप 2-2 करके इसको पढ़ सकते हैं। तो 4 तो कम अज कम पढ़ना है, अगर वो हदीस के तहत जाना है, वक्त नहीं है तो आप 2 भी पढ़ सकते हैं, इसलिए कि इसका सवाब तो मिलेगा, लेकिन वो सवाब के मुस्तहिक होने के लिए ये 4 और जोहर की 4 को लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। शुक्रिया।